हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास थ्री वन टैक तो फ्रेंड्स मुझसे यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोगों ने एक क्वेश्चन बार बार पूछा है कि सर मेरे पास दो यूट्यूब चैनल हैं तो क्या मैं सेम वीडियो को इन दोनों यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकता हूँ और अगर ऐसा कर लूँ मैं उसके बाद अगर मैं अपने चैनल को मोनीटाइजेशन के लिए भेजूँ तो क्या मेरा चैनल मोनीटाइज होगा या नहीं सर इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बना के हमें बता दीजिए तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या आप सेम वीडियो को यूट्यूब पर दो बार अपलोड कर सकते हैं या आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं तो क्या उन पर आप सेम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अपना चैनल भेजें तो क्या वो मोनेटाइज होगा या नहीं तो वीडियो छोटी सी है पर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और उसे ऑल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास दो यूट्यूब चैनल हैं और आप अपनी एक वीडियो को इन दोनों यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं तो उसमें आपको अपलोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप इजीली उन्हें अपलोड कर सकते हैं लेकिन जब आप अपने इन दोनों चैनल्स को मोनाटाइजेशन के लिए भेजेंगे तो उस समय आपके एक चैनल का मोनाटाइजेशन तो एक्सेप्ट हो जाएगा वो तो ऑन हो जाएगा लेकिन जो दूसरे चैनल का मोनाटाइजेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने एक पाँच मिनट की वीडियो बनाई वो आपने अपने दोनों यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डाल दी तो यूट्यूब यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम तुरंत उस चीज़ को कैच कर लेगा कि आपकी जो वो वीडियो है उसमें आपकी टाइमिंग देखेगा कि टाइम सेम है आपने जो वीडियो की वॉइस दी है वो भी सेम है आपका बैकग्राउंड भी सेम है आपके क्लोथ जो आपने पहने हुए हैं वो भी सेम है तो यूट्यूब को ये पता लग जाएगा कि आपने ये सेम वीडियो ही दूसरे चैनल पर अपलोड की है इसलिए आपका मोनेटाइजेशन वो रिव्यूज कॉन्टेंट के तहत डीमोनेटाइज कर देगा मतलब आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा अब आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ से जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके स्किप करके चले जाएंगे और उन्हें ये लगता है कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा हो चुका है लेकिन ऐसा नहीं है मैं आपको इसमें इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो में बने रहिए तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी एक वीडियो को अपने दोनों यूट्यूब चैनल पर डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने किसी टॉपिक पर पाँच मिनट की वीडियो बनाई और उसे आपने दूसरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दिया अपने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर और आप उसी वीडियो को दूसरे पर भी डालना चाहते हैं लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है आपको उसी टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनानी है जिससे क्या होगा कि मान लीजिए क्या पता आपने पहले पाँच की बनाई है तो अब वो छः मिनट की बन जाए और हो सकता है आपकी जो टी शर्ट का कलर है आपने जो कपड़े पहने हैं वो चेंज हो जाएँ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड और वॉइस भी उसकी डिफरेंट हो जाए और आपकी जो वीडियो की टाइमिंग है वो तो डिफरेंट हो ही जाएगी जब आप छः मिनट की बनाएंगे पहली पाँच मिनट की बनाएंगे तो यूट्यूब के लिए ये रीयूज कॉन्टेंट नहीं होगा तो आपका चैनल जो है वो सक्सेसफुली मोनिटाइज हो जाएगा तो ये तरीका है जिस तरीके से आप अपनी YouTube वीडियो को अपने दोनों YouTube चैनल पे डाल पाएंगे सेम टॉपिक से रिलेटेड आपको दो वीडियो बना लेनी है और दोनों को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देना है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह गया है कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें थैंक यू